इंडोनेशिया के नोट पर गणपति बाप्पा होते हैं जानकर आपको गर्व महसूस होगा। इंडोनेशिया में मुस्लिम नागरिकों की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन इस देश में हिंदू धर्म के देवता गणपति बाप्पा नोट पर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ मुस्लिम के आबादी 87% के करीब है और हिंदू आबादी केवल 3% है। फिर भी इस तरह के मतभेदों के बावजूद इंडोनेशिया के 20,000 के नोट पर क्रांतिकारी हजे देवांतर के साथ गणपति बाप्पा दिखाई पड़ते हैं, यह जानकर आपको गर्व महसूस होगा। गणपति को कला, विज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में माना जाता है और इंडोनेशिया पर जब डच लोगों का शासन था तब क्रांतिकारी हजे देवांतर शिक्षा अग्रदूतों थे। इन दोनों कारण से नोट पर गणपति के साथ हजे देवांतर एक साथ होते हैं। नोट के पीछे की तरफ में पढ़ने वाले छात्रों की छवि नजर आती है। लाल कृष्ण आडवाणी ने जब इंडोनेशिया दौरा किया वे हिंदू मुस्लिम के बीच सामंजस्य देख के लिए चौंक गए थे। मुस्लिम के आबादी ज्यादा होने के बावजूद दोनों धर्म के बीच सच्ची भावना देखने को मिलती है। इंडोनेशिया और भारत व्यापार संबंधों बहुत लंबे समय चल रहे हैं, इसके चलते सांस्कृतिक आदान प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, इस देश में रामायण अलग रूप देख सकते हैं। इंडोनेशिया में कुछ समय बाद मुस्लिम धर्म में फैलता है, लेकिन संस्कृति के स्वाभाविक रूप पुराने तरीके से चल रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।